गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट टू लेके आया हूँ। कल के क्लास में हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन देखा था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को आगे के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वो MCQ फॉर्मेट में होगा, जो आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि खाली स्थान में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है, बाकी सब अक्षर बड़े केस में आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला छोटा स्मॉल केस में और बाकी सब बड़े केस में। पहला स्मॉल का मतलब होता है पहला, ये ऐसे, और बाकी सब बड़ा कहने का मतलब है जैसे मैं यदि एप्पल लिखूँ तो APPLE, बाकी सब बड़ा, पहला स्मॉल बाकी सब बड़ा। ये हमारा आंसर है किसका, टॉगल केस का। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, टॉगल केस में होगा, ठीक है क्या। लेकिन इसके अलावा और जो ऑप्शन है उसको भी देखते हैं, जैसे कि अपर केस। अपर केस क्या कहता है, सभी के सभी कैपिटल में रहेगा, ठीक है। लोअर क्या कहता है, सभी के सभी स्मॉल फॉर्म में रहेगा। टॉगल का तो मैंने पहले ही बता दिया हुआ। एक आपका है टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है, पहला बड़ा बाकी सब स्मॉल में, ठीक है, टॉगल का जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसके अलावा एक जो नहीं लिखा हुआ वो है हमारा सेंटेंस केस, जिसमें क्या होता है, सपोज़ मैं दो वर्ड लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हेलो क्लास है, HELLO हेलो, तो H कैपिटल, वैसे ही क्लास का C कैपिटल, बाकी सब छोटा। मतलब सेंटेंस केस क्या कहेगा, पहला बड़ा बाकी सब छोटा, जितने भी वर्ड रहेंगे उस सेंटेंस में वो हमारा पहला बड़ा बाकी सब छोटा, नेक्स्ट वर्ड है क्लास, पहला बड़ा बाकी सब छोटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है। हेडर या फुटर आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोज़ करिए ये मेरा एक पेज है, ठीक है, ये मेरा ब्लैंक पेज है, ये ऊपर टॉप वाला एरिया और ये बॉटम वाला एरिया। तो ऊपर में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हेडर। क्या कहलाएगा, वो हेडर। और जो नीचे लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, फुटर। और जो बीच वाला जो एरिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है क्या। क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। ये देखिए हेडर, नीचे वाला फुटर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भी हमको लिखना रहता है, टेक्स्ट एरिया। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हेडर और फुटर कहाँ होता है, कहाँ छपता है, कहाँ पाया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से मतलब प्रारंभिक रूप से जो है हेडर और फुटर आपके सभी पेज में पाया जाता है। आंसर आएगा आपका बी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, सभी पेज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखा है, लिखा हुआ है निम्न में से फंट स्टाइल नहीं है। देखिए फंट का स्टाइल जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, एक होता है बोल्ड, बिल्कुल ठीक, चूँकि नहीं है पूछा है इसलिए हमको गलत आंसर बताना। इटैलिक होता है, ये भी सही है, आपका रेगुलर भी होता है, इसमें एक साथ बोल्ड प्लस इटैलिक ये भी होता है, बोल्ड इटैलिक। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है इसमें का हमारा आंसर हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हमारा फंट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सबस्क्रिप्ट। ये हमारा इफेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, फंड का इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसके बारे में और कुछ ऐड किया हुआ है, देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सबस्क्रिप्ट जो है वो फंड स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट मेनू। देखिए आप लोगों ने मेन्यू बार देखा होगा जहाँ पर आपका होम इंसर्ट ऐसा रहता है ना, हाँ। तो जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट में जाके आप चार्ट डाल सकते हैं, वेरी गुड, पहला ऑप्शन तो हमारा है ही है, ये डाल सकते हैं, हमने नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। वर्ड आर्ट भी रहता है, क्लिप आर्ट भी रहता है, इसके अलावा आपका टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम ग्राफ नहीं इंसर्ट करते क्योंकि ग्राफ का ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ, बोलचाल की भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं कि चार्ट को ग्राफ कहते हैं कहके, तो वो आप बोलते हैं वो अलग बात है, बट ऑप्शन में ग्राफ ऐसे अलग से नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस और इनग्रेव, ये इनको क्या कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये सभी ऑप्शन आपका जो है, जैसे आप कंट्रोल प्लस डी, एक आपको शॉर्टकट में बताया था याद होगा, फंड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट की रहते हैं वो हमारा कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन पे आता है। ठीक है, तो हमारा जो है ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन। तो देखिए ये सब हम सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये फंड का इफेक्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, फंड का इफेक्ट कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ का एग्जांपल के साथ बताता हूँ सब स्क्रिप्ट क्या है। जैसे कि देखिए आप जैसे ट्वेल्थ लिखते हैं तो ऐसे जो ट्वेल्थ के ऊपर जो टी एच लिखते हैं आप, वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। एच टू ओ में जब हम पानी का, वाटर का जो रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो टू थोड़ा सा नीचे रहता है, वो हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाता है। वैसे ही आउटलाइन जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो थोड़ा सा उसका आउटलाइन व्यू के रूप में दिखाई देता है, वो हमारा आउटलाइन है। और ये दोनों मैं आपको क्लास में है जो है कभी जब मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अब याद रखेंगे कि जो भी है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फंड इफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप में यूज़ होने वाले फंड का नाम। देखिए जैसे ही आप एम एस वर्ड स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फंड और उसका जो साइज है, मैंने कल भी मतलब पहले वाले जो हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन जो अटेंड किए थे उसमें भी मैंने बताया था फंड का मिनिमम और मैक्सिमम साइज 872 होता है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइज रहता है आपका 11 और 12, अलग अलग वर्जन पे अलग अलग रहता है 11 12। वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कैलेबरी बॉडी 2007 में देखेंगे आप तो कैलेबरी बॉडी रहता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने वर्जन नहीं लिखा है और मैंने ऑप्शन में कैलेबरी बॉडी नहीं दिया तो आप सोचेंगे तो क्वेश्चन ही गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन होगा, क्यों, क्योंकि अलग वर्जन पे अलग अलग फंड होता है। तो कैलेबरी बॉडी या टाइम्स न्यू रोमन और फंड साइज 11 या 12, और अगर मिनिमम और मैक्सिमम साइज की बात करें फंड की तो 8 और 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस टूल बार में आप फॉर्मेट पॉइंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा एक ब्रश जैसे जैसे बना रहता है, होम मेन्यू में आप देखेंगे जो आपका क्लिप बोर्ड ऑप्शन रहता है जिसमें कट कॉपी पेस्ट, वहीं पर आपको फॉर्मेट पॉइंटर मिल जाएगा जो फॉर्मेट को कॉपी करता है, ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार में प्राप्त कर सकते हैं इसको। फॉर्मेट पॉइंटर आप याद रखेंगे जैसे कि यदि हम जैसे क्या कहते हैं हम एक होता है हमारे पास कॉपी करना, तो जब हम कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी दबा के तब हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है। जैसे मैं यदि स्टैंडर्ड टूल बार को कॉपी करके कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करूं तो स्टैंडर्ड टूल बार पेस्ट होगा, बट यदि देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है जबकि ये मेरा ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अब इसका फंड अलग है, इसका फंड अलग है, तो अब यदि मुझे इसका भी जो हमारा यहाँ पे जो फंड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार, मुझे इसका जो कलर है वो इसके सेम इसी कलर पे लेके आना है, बट मुझे अलग से कलर पे जाके उसको चूज़ करना पड़ेगा, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिखावट है ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके फॉर्मेट पॉइंटर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो जो यहाँ पे जो कलर है वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ये कहलाता है हमारा फॉर्मेट पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके हम जो है करेक्टर सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं, सिंबल सर्च कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। मतलब हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके केवल और केवल इमेज या पिक्चर को सर्च नहीं कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्यों, ये हमारा क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड से संबंधित जो भी हमारा काम रहता है, एप्लीकेशन बनाना, लेटर बनाना, नोट्स बनाना, हम इसी में करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जबकि एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ओपन डायलॉग बॉक्स, जब हम देखिए शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है कंट्रोल प्लस ओ, इससे तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमको ओपन करना है बट हमको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना है। देखिए मैं फिर से चलता हूँ वहीं पे, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करना है आपको, तो कंट्रोल ओ जो है आपको ऑप्शन में तो नहीं है, तो उसके अलावा और कौन सा शॉर्टकट है, तो हमारा आ जाएगा कंट्रोल प्लस एफ डब्ल्यू। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं जितने भी फंक्शन किए उसका भी शॉर्टकट पे वीडियो बनाऊँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बताइए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।